मुजफ्फरनगर में हाल में जो भयानक सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक हिंसा देखी गई है वो हमें फिर से याद दिला रहा है कि आम लोगों को किस तरह से चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपना चारा बनाते हैं और ये जो आग वो भड़काते हैं, ये जो सांप्रदायिक बीज वो बोते हैं, वो चाहते हैं कि वोट के रूप में उसका फसल काटेंगे आने वाले चुनावों में। इसके प्रति सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। जो हम लोगों को बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर के बारे में मीडिया के जरिए भी, ये सब काफ़ी हद तक गलत खबरें हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना को जड़ बताया जा रहा है, वहाँ जाने वाले लोग हमें बताते हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, जिसमें किसी छोटी बात को लेकर के या किसी छेड़छाड़ की घटना को लेकर के कोई लड़ाई हो जाना, कुछ यहाँ तक कि हत्या हो जाना, ये भी पहली बार वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद इस तरह का जो हिंसा जो भड़काई गई है, ये बिल्कुल सुनियोजित राजनीतिक तरीके से हुई है। इसको करने में संघ परिवार और भाजपा का हाथ जरूर है, खाप पंचायतों की मदद से, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार भी उतनी ही भागीदार है। उसको भी कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है कि सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके डर से उनको कुछ फ़ायदा होगा, इसकी वजह से उनके डर, उनकी असुरक्षा के भाव को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी समाजवादी पार्टी ने भी कोई कदम नहीं लिए सांप्रदायिक दंगाइयों को रोकने के लिए, कोई कदम नहीं लिए महापंचायत को रोकने के लिए, बावजूद इसके कि उस जाट महापंचायत में इतनी भड़काऊ भाषण हुए, राजनीतिक दल के नेताओं, भाजपा के नेता वहां जाकर के भड़काऊ भाषण दिए। और आज हम देख रहे हैं कि वहां रिलीफ कैंप्स में किस तरह से लोग जो दंगे से पीड़ित हैं, किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनके घर तबाह हो गए हैं, किस तरह से उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो मारे गए हैं, और हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसमें इस तरह से मारे गए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं को खास करके सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हमारे मुद्दे को, हमारे नाम पर, हमारी सुरक्षा के नाम पर किस तरह से दंगे भड़काए जाते हैं, किस तरह से हिंसा भड़काई जाती है। क्योंकि जाट महापंचायत में हम सब जानते हैं, खाप पंचायत किस तरह से, जो जाति पंचायत है, वो किस तरह से महिलाओं की आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अब वो महिलाओं के अधिकारों पर हमला करते हुए अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना चाहते हैं। वो वहां पर नारा उठा रहे हैं, बहू बचाओ, बेटी बचाओ, बहू बचाओ, उसके बाद नारा देते हैं बेटी बचाओ, बहू बनाओ, और फर्जी इस तरह का पूरा एक फैला रहे हैं अभियान कि मुस्लिम नौजवान वहां पर कोई लव जिहाद चला रहे हैं। लव में और जिहाद में कोई तालमेल नहीं है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी से प्रेम करती है तो इसको ये कहना कि वो जिहाद की शिकार हो गई है, क्योंकि जिससे वो प्रेम करती है उसका प्रेमी अगर मुस्लिम कम्युनिटी का है, ये बात कहना कितनी घिनौनी बात है, ये तो समझ में आना चाहिए। लेकिन ऐसा ही करके ये ये उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं। अशोक सिंघल ने बताया है, कल बयान मैंने पढ़ा उनका, जिसमें वो कहते हैं कि लव जिहादी सावधान हो जाएं, गुजरात में जो आपको सबक सिखाया था वही सबक हम उत्तर प्रदेश में सिखाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज अमित शाह गुजरात से उत्तर प्रदेश आए हुए हैं भाजपा के इंचार्ज बन के, और इनकी जो रणनीति है वो हम सब जानते हैं कि क्या रणनीति यही है। गुजरात में गोधरा को बहाना बना करके 2002 में वहाँ पर दंगे भड़काए गए थे, वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, और आज यहाँ लव जिहाद को बहाना बना करके जो ऐसी घटना है, लव जिहाद ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ही नहीं, उसको बहाना बना करके वहाँ पर सांप्रदायिक भावना भड़का करके वो चाहते हैं कि वो चुनाव में फसल काटें। हम सब का काम है, आम नागरिक का काम है, आम महिलाओं का काम है, आम नौजवानों का काम है कि हम इस तरह के सांप्रदायिक राजनीति को चुनौती दें। समाजवादी पार्टी की भी जो इस तरह की बहुत ही अवसरवादी सांप्रदायिकता है उसको भी हम चुनौती दें।